इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया है उसमें से कॉपी पेस्ट की गई है और कोई विजन इन्होंने नहीं दिखा। फिर वही पुराना राग अलपाते हुए जो महामहिम राज्यपाल से कहलवाया था, पुरानी हमारी गत सरकार की जो जिस तरीके से बुराइयां करने का काम किया है, इसके अलावा कोई विजन नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 15% पैसे बढ़ाएंगे, तो ये तो हमने कानून ही पारित कर दिया, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून पारित करके। और हमने बजट में घोषणा की थी कि भाई ये 15% ऑटोमेटिक हर साल जो है वो वृद्धि हो जाएगी, चाहे वो पेंशन की बात लो, चाहे आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो बात की, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, उनमें जो बजट में बढ़ोतरी की गई है वो तो हमारी सरकार का किया हुआ काम है। इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है। और पेट्रोल और डीजल की जो हमेशा इस हाउस में चिल्लाते थे, बार बात करते थे कि राजस्थान का पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, आज उसमें 1 रुपये की किसी तरीके की कोई छूट देने का इन्होंने कोई प्रावधान रखा नहीं है, कोई बात कही नहीं है। और जिन 70,000 बेरोजगारों को नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, 1,10,000 ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा दे चुके हैं या उनका अपॉइंटमेंट लेटर छप चुका है, वो इनके पास में 2 महीने से पड़ा है, 60 दिन से ज़्यादा अधिक समय से रोक करके वो इसके माध्यम से अपनी बात कह करके और फिर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जबकि नई एक भी नौकरी की विज्ञप्ति निकालने की बात किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने नहीं कही है कि न महंगाई कम करने का विजन है, न इनकी बच्चों को रोज़गार देने का कोई विजन है, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कोई विजन है। ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार के समय हिंदुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट है जो नंबर 1 है हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी बात नहीं करेंगे। और कोई विजन इन्होंने बता दीजिए कि लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए इन्होंने अगर अंतरिम बजट में कोई अपना विजन दिया हो तो मुझे बता दीजिए। तो ऐसे में इस बजट केवल कागजों में आंकड़ों का मायाजाल है और ये कहीं भी किसी भी प्रदेश की, हमारे प्रदेश की कोई जो डेवलपमेंट में ये किसी तरीके से मदद नहीं करता है। केवल इनको तो वही बातें करनी है कि पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई, पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई। अरे आप तो सरकार आपको दे दी, आप बताइए आप क्या कर रहे हो। आपने तो 60 दिन में अधिकारियों के विशिष्ट सहायक भी नहीं लगा पाए और आप बातें कर रहे हो इतनी इतनी बड़ी, तो ये सारी जनता देख रही है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मैं कहना चाहता हूँ कि इनका पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ गया लोगों के कि ये केवल रिमोट कंट्रोल की सरकार है, दिल्ली से आई पर्ची की सरकार है और केवल औचक निरीक्षणों की सरकार है, इसके अलावा इससे इतर कुछ भी नहीं है।